गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। कल हमने पढ़ा था क्या मैग्नेट, मैग्नेट के कितने पोल थे, 2, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होती थी मैग्नेट के अंदर वो कहाँ पे होती थी, एंड पे होती थी। ठीक है, मैग्नेट को हम कभी भी सेपरेट, मैग्नेट के जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या लिया था हमने, मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है, मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है, जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेट है, मैंने एक मैग्नेट को रखा यहाँ पे, ये या तो अट्रैक्ट कर लेगा रिपेल कर लेगा, फिर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी, फिर मैंने यहाँ पे रखा तो इसने दूर चला गया, कोई इफेक्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं किया इसने। ठीक है, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है, जहाँ तक मैग्नेट का इफेक्ट, जहाँ तक मैग्नेट के असर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ तक का इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, कैपिटल लेटर बी। पॉइंट नोट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल लेटर बी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ऐसे कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, टेस्ला, जिसको क्या लिखते हैं, टी। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, जिसको क्या लिखते हैं हम, टी। और इसके जो सीजे सिस्टम है, इसकी यूनिट क्या है, गोस। सीजे सिस्टम इसकी एसआई, सीजे सिस्टम की यूनिट क्या है, इसकी गोस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन बी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट टेस्ला, जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल सी से, सीजीएस यूनिट क्या है, इसकी गोस। इसके अंदर एक रिलेशन होता है टेस्ला के अंदर और गोस के अंदर, कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10^4 गोस के। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10^4 गोस के इक्वल होता है। ठीक है, फिर इसकी कुछ है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, इमेज करते हैं इसको, कैसे होती है, इमेजिनरी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा लूप लगती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कंटिन्यूस लूप। कैसा बनाती है, क्लोज कंटिन्यूस लूप। इसका मतलब क्या है, कैसा लूप लगती है, क्लोज कंटिन्यूस लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करती है, उनके पता रहता है कि वो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव भी जाके टर्मिनेट हो। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये क्लोज कंटिन्यूस लूप बनाती है। इसी के अंदर देखो, ये ऐसे क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका पता होता है कि वो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो ये कैसा लूप बनाती है, क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप। जो इसकी डायरेक्शन होती है आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड, कैसे, नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड देखो, बाहर की तरफ कैसे मूव करती है, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है,
अब इसकी डायरेक्शन आउटसाइड कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड कैसे होती है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है। हमें डायरेक्शन को क्या करना है, पता लगाना है। तो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम उस पर क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तुम्हें पता लग जाता है, मान लो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तुम्हें पता लग गया ना किसकी डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, बट क्यों नहीं करती? रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली, अब ये यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक ही डायरेक्शन इधर, एक ही डायरेक्शन इधर आ रही, हमें पता है कि जो डायरेक्शन होती है इसकी वो एक ही होती है, बट यहाँ पे तो कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन आ रही है, इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ आया? समझ आया इसकी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये कैसे होती है? इमेजिनरी होती है। सेकेंड, ये कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप बनाती है। मतलब इसका हमें पता नहीं होता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि कैसा लूप बनाती है? कंटिन्यूस लूप बनाती है। और इसकी आउटसाइड डायरेक्शन कैसे है? नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम उस पर क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे की इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसकी दो डायरेक्शन आ जाती है, बट डायरेक्शन तो क्या आनी चाहिए? उसकी एक आनी चाहिए, इसलिए अगर इंटरसेक्ट करवा रहे तो कितनी डायरेक्शन आ जाती है? दो डायरेक्शन आती है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, किसकी वजह से होता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी। क्या था मैग्नेटिक फील्ड? जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है, जहां तक हम उस मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और किसकी वजह से हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। तो यहाँ तक इसको लर्न करना है। जिसने नोट्स नहीं बनाए वो नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है।